दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं जितेंद्र नाम में खबरयोद्धा के कबीरधाम जिले में वर्तमान में पुलिस अधीक्षक के रूप में डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी पदस्थ हुए हैं और आमजन को उनसे काफ़ी उम्मीदें भी है। सुधीर केसरवानी जी से चर्चा करेंगे जी। सुधीर केसरवानी जी, नए SP का आगमन हुआ है कबीरधाम जिले में और आप क्या उम्मीदें रखते हैं SP साहब से? सबसे पहले तो मैं SP साहब को धन्यवाद देता हूं कवर्धा जिला के आगमन पर, हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और उम्मीद ये करते हैं, जिस प्रकार से हमारे झंडा विवाद हुआ, अवैध हथियार लोगों द्वारा सड़कों पे देखा गया, जिस प्रकार से दुर्ग में SP साहब ने अवैध संचालन हथियार और जो जब्ती बनाया गया था, प्रथा चालू किया था, उसको उम्मीद करते कि कवर्धा में भी इस प्रकार से योजना चालू करेंगे। दुर्ग जिले में जहाँ अभिषेक पल्लव जी ने अवैध हथियार जब्ती करने के लिए मुनादी कराई थी और लोगों ने हथियार भी जमा किया था, तो सुधीर केसरवानी जी का कहना है कि कबीरधाम जिले में भी सबसे पहले अवैध हथियारों को थाने में जमा कराया जाए। और क्या कहते हैं सुधीर केसरवानी, हम बात करते हैं उनसे। और जैसे विगत 3-4 महीने से कवर्धा जिला में कम से कम करोड़ों रुपए का चोरी हुआ है, जो आज दिनांक तक के किसी भी अपराधी का गिरफ्तारी नहीं हुआ, जिसमें थाना में बकायदा फुटेज और ये सारी चीज़ उपलब्ध कराने के बाद भी पूर्व कप्तान द्वारा इस प्रकार से चोरी पे लगाम नहीं दिया गया था। अतः नए कप्तान से उम्मीद है, जैसे दुर्ग में जिस प्रकार से SP साहब का नाम चर्चों पे रहा है, वैसे भी हम चाहते हैं कि कवर्धा में भी उन्हें चर्चे पे रहे और जितने भी चोरी चमारी हुए हैं वो पूरे अपराधी सामने में आए। तो दोस्तों, अब हम आपको सुधीर केसरवानी जी से तो बात आपको कराए हैं, हम आपको झंडा चौक भी लेकर जाएंगे जहां ये विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, और कुछ हेलमेट के दुकान में भी लेकर जाएंगे, क्योंकि लगातार YouTube चैनलों में चल रहा है कि SP के आगमन से 3 दिन पहले हेलमेट की बिक्री कबीरधाम जिले में बढ़ गई है। तो हम आपको सिग्नल चौक से भी कुछ फुटेज दिखाना चाहेंगे कि आखिर कितने लोग हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चला रहे हैं। अब हम आपको कुछ दुकानों में लेकर जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि हकीकत में 3 दिनों में कितनी हेलमेट की बिक्री हुई है। अब हम आपको हरिओम ऑटो केयर में लेकर आ रहे हैं और इनसे चर्चा करते हैं कि हकीकत में 3 दिनों में कितने हेलमेट इनके द्वारा बेचे गए हैं। तो हम बात करते हैं हरिओम दुकान के संचालक से। जी भाई साहब, आप हमको बताएं कि इन 3 दिनों में आपने कितना हेलमेट बेचा है? जितना बेचत रहे भैया उतने बेचत हैं। तो रोज कतका हेलमेट बेच लेते रहे आप मन? जितना बेचत रहे तब बोले 1, 2, 3 ऐसे संख्या में? 2, 3, 4। 2, 3, 4 हेलमेट रोज बेचत रहे हो। 3 दिन में भी बड़े हैं हेलमेट की बिक्री तो उतके हैं? अभी उतने हैं भैया, उतने हैं। हेलमेट के कोई कमी तो नहीं है? कमी नहीं है भैया, अपन पास स्टॉक पड़े हैं जितना भी हेलमेट है। क्या नाम लिखता हो आप? मेरा नाम घनश्याम पटेल। अभिषेक पल्लव जी का कवर्धा जिले में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विदित है कि पूर्व में जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, उसको भी पुलिस विभाग के द्वारा कंट्रोल करके काम किया जा रहता रहा है। अब उनके लिए एक नया चैलेंजिंग हो जाएगा कि आजकल का जो जनरेशन है उसमें नशाखोरी का बहुत ज़्यादा शिकायत आ रहा है, खासकर शहर के अलग अलग जो खुले स्थान हैं वहाँ पर नशे का अड्डा बनते जा रहा है। पहले ही पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। मैं माननीय पुलिस अधीक्षक से ये कहना चाहूँगा कि अभी जो नशाखोरी के लिए मामला है उस पर कंट्रोल किया जाए, और विशेषकर शहर के अंदर जो चोरी की समस्या है, खासकर हम विभिन्न वार्डों में जब बात करते हैं नगर पालिका क्षेत्र में, तो वहाँ पे जो नालियों के ऊपर जो जाली लगे रहता है उसकी अत्यधिक मात्रा में चोरी हो रही है। पहले भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, आगे भी उस पर कार्रवाई करने की अपेक्षा रखते हैं, और उनके आने से कवर्धा में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो और अच्छी सुधर जाएगी, ताकि हम जो कवर्धा वासी हैं, जिले के वासी हैं, वो सुख और शांति के साथ रह सकें। दोस्तों, अब हम कबीरधाम जिले के सिग्नल चौक पे हैं, जहां विगत 3 दिनों से कई जगह में बताया जा रहा है कि लोग काफ़ी हेलमेट लगा रहे हैं, 3 दिन पहले से हेलमेट की बिक्री कबीरधाम जिले में बढ़ चुकी है। तो आज हम आपको कवर्धा जिले के सिग्नल चौक से ही दिखाएंगे कि आखिर कितने लोग हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने लोग बिना हेलमेट के सफ़र कर रहे हैं, कि हेलमेट लगाना
सभी के लिए आवश्यक है सुरक्षा के हिसाब से। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आखिर कितने लोगों ने हेलमेट लगाया है, क्योंकि लगातार 3 दिनों से यही बताया जा रहा है कि कबीरधाम जिले में हेलमेट की जमकर बिक्री हो रही है। आखिरकार इस विषय को लेकर हम अपनी टीम के साथ कवर्धा जिले के सिग्नल चौक पर पहुंचे और ये कवर्धा जिले के सिग्नल चौक का वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि आखिर कितने लोग हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया है। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि 100 में आप ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 10 ही लोगों को हेलमेट लगाए देख पाएंगे। वहीं वाहन को खड़ी करने के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था कवर्धा शहर में नहीं है, जिसके चलते मेन सड़कों पर ही लोग वाहन को खड़े कर देते हैं। अब हम एक बात आपको और बताएंगे कि कवर्धा बस स्टैंड भी पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हो पाया है, जिसके चलते यातायात भी बाधित होते नजर आता है। ये कवर्धा का सिग्नल चौक है जहां से बड़ी संख्या में लोग गुजर रहे हैं। हमारे जिले में जो अभी नए पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक पल्लव जी आए हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। और इस समय जो उनकी जो छवि है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपराधियों से जिस तरीके से वो पूछताछ करते हैं, अभियोजन संस्थित होने के पहले की जो कार्रवाई होती है, तो उनकी अपनी एक छवि है, एक रुचिकर छवि है। लेकिन यहाँ हमारे ज़िले में चुनौतियाँ बिल्कुल अलग तरह की हैं, क्योंकि यहाँ लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं और जिस तरीके से यहाँ पर धार्मिक अशांति का वातावरण बना था, जिसमें कि बहुत सारे वीडियो भी वायरल हुए थे, कुछ लोग हथियार लेके घूम रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी नहीं हुई थी, तो जो अवैध हथियार वगैरह हैं उनको जब्त होना चाहिए। और ये जो चोरी जो लगातार घटना घट रही है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ जो स्थानीय स्तर पर जो चुनौतियाँ हैं उसके ध्यान में रखते हुए इस पर हम उम्मीद करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और अपराध की जो बढ़ोतरी है छोटे जिले के हिसाब से उस पर नियंत्रण स्थापित होगा।